दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कलर्स टीवी पर बहुत जल्द एकता कपूर का एक नया सीरियल बेकाबू दिखने वाला है, जिसमें हमें कई नए सितारे नजर आएंगे जो अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से आप सभी का दिल जीत लेंगे। जहां आप सबने शालीन भनोट के आने की खबर तो सुन ही ली होगी, पर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया था कि शालीन भनोट के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत जल्द बेकाबू सीरियल में शालीन भनोट के अपोजिट दिखाई देने वाली है। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कलर्स टीवी पर बहुत जल्द एकता कपूर का सीरियल बेकाबू रिलीज होने वाला है, जहां इसमें एकता कपूर ने बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट शालीन भनोट को फाइनल कर लिया है कि वो इस सीरियल में मेन लीड किरदार में नजर आएंगे, जिनके इस अपीयरेंस को सुनने के बाद दर्शक काफी एक्साइटेड हैं पूरे सीरियल को देखने के लिए। तो वहीं जब से शालीन भनोट की एंट्री सीरियल में कन्फर्म हुई है, तब से ही दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि शालीन भनोट के ऑपोजिट कौन सी अभिनेत्री नजर आएंगी। तो अब आप सबको बता दें कि वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि इश्क सुभान अल्लाह सीरियल में नजर आई अभिनेत्री ईशा सिंह है। जी हाँ, ईशा सिंह ही वो अभिनेत्री है जो शालीन भनोट के ऑपोजिट नजर आएंगी और इन दोनों की लव स्टोरी सीरियल में देखने को मिलेगी। इससे पहले आपने देखा होगा कि ईशा सिंह सीरियल सिर्फ तुम में नजर आई थी, जहां वो सुहानी बनकर रणबीर के दिलों दिमाग पर छा गई थी। वहीं फैंस के दिलों पर भी ईशा सिंह ने काफी समय तक राज किया और इस सीरियल में भी ईशा सिंह जबरदस्त नजर आई थी। और इसी तरह अब ये सीरियल बेकाबू में शालीन भनोट को अपना दीवाना बनाती हुई नजर आएंगी और अब दर्शक भी काफी एक्साइटेड हो चुके हैं ईशा और शालीन की लव स्टोरी देखने के लिए। आपको बता दें कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है कि ईशा सिंह इस सीरियल में शालीन के अपोजिट नजर आएंगी, लेकिन खबरें आ रही हैं कि ईशा ही इस सीरियल में मेन लीड एक्ट्रेस किरदार निभाएंगी। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ईशा सिंह और शालीन भनोट की लव स्टोरी देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।